हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती मुकदमे की, यानी केशवानंद भारती केस की। हम आपको बताएंगे क्या था ये केस और एग्जाम में अक्सर कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता दें, केशवानंद भारती केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के मूल ढांचे के बारे में। हम आपको बताते हैं विस्तार से, साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें, केशवानंद भारती केस, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी अंश या प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती संसद। यानी संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती संसद, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में पहली बार दिया था। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस वाद किस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के बारे में बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में। संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया, यानी केशवानंद भारती केस में पहली बार बताया लेकिन इसे पुनः दोहराया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद के केस में 1980 में। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय समय समय पर बतलाएगा कि संविधान के मूल ढांचा कौन कौन है, यानी कहीं भी ये डिफाइन नहीं है कि ये मूल ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताएगा कि क्या है संविधान का मूल ढांचा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस केस में डिफाइन किया गया 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी बताया कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और क्या है मूल ढांचा वो मैं बताऊंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट बताएगा समय समय पर, यह बताया सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में। थैंक यू।